वेलकम बैक गाइस इस वीडियो में अपन जो है जी ई मैट्रिक्स मेट्रिक्स को कवर करेंगे जी ई e. मतलब जनरल इलेक्ट्रिक तो जब जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी बिजनेस पोजिशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट को एनालाइज करने के लिए जो मेट्रिक्स बनवाया था उसका नाम जी ई मैट्रिक्स मेट्रिक्स था तो इस वीडियो के अंदर अपन वही जी ई मेट्रिक्स को स्टडी करेंगे इट इज़ काफ़ी सिमिलर है ये टू द बी सी जी मेट्रिक्स जो अपन ने पहले पढ़ा था उससे काफ़ी सिमिलर है और मिलता जुलता है तो इसके अंदर भी अपन बिजनेस पोजिशन और मार्केट शेयर को कंपेयर करेंगे कि आपकी बिजनेस पोजिशन कैसी है स्टेज कैसी है और आपका मार्केट शेयर कैसा है और उसके बेसिस पर आपको कौन सी स्ट्रैटी अपनानी चाहिए तो वो अपन यही सेम चीज़ें जो हैं इसी मेट्रिक्स के अंदर भी वही चीज़ें कवर करेंगे सो लेट इस रीड की मैकेंजी मेट्रिक्स के बारे में क्या कहा गया है जी ई मेकिजी मेट्रिक्स इज अस्ट्रेटी टूल फॉर मल्टी बिजनेस कॉपोरेशन इट इज़ अ टूल फॉर मल्टी बिजनेस कॉपोरेशन मार्क कर लीजिए यूज इन ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट दैट असिस्ट अंपनी टू डिस पोर्टफोलियो एंड दुनिजी प्रॉरिटाइज इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इवेल्युएट्स द बिजनेस पोर्टफोलियो provides further strategic implications and helps to prioritize the investment needed for each business unit though it is conceptually similar to the bcg matrix but somewhat more complicated than the bcg matrix this is so because in bcg analysis a two-dimensional portfolio matrix is created while अपन ने बी सी जी काउज और क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स और स्टार्स और यहाँ पर थ्री बाय थ्री का मेट्रिक होगा यानी नाइन स्ट्रेटेजीज होंगी तो इसलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड वो कह रहे हैं वन डायमेंशन कम्प्राइजेस द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मेजर्स The other comprises the इंटरनल बिजनेस स्ट्रेंथ मेजर्स तो एक तरफ आपका रहेगा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कि किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है इंडस्ट्री की position क्या है और एक तरफ आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स होंगे यानी आपकी कैसी position है इंटरनली तो एक्सटर्नल position और इंटरनल position को अपन को कंपेयर करना है the GE ई मेट्रिकल strategic बिजनेस यूनिट्स टू evaluate इट्स ओवरऑल स्ट्रेंथ तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर इस matrix के अंदर आप करेंगे ठीक है अंडरस्टैंडिंग द टूल तो कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है अपन को अंडरस्टैंडिंग द टूल इन द प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स कारसिटी यानी क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं हैज़ अ हैंजियरिंग ऑन द दैट आर मेड डिस एनी बिजनेस ऑर्गनाइजेशन क्योंकि रिसोसिस के बेसिस पर ही वो अपने डिसिशंस लेते हैं अमंग सच लिमिटेड रिसोर्स एज देर आर प्लेंटी ऑफ टू सच फॉर मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल द क्रूशल क्वेश्चन रिमेंस हाउ टू यूज देयर कैश बेस्ट यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन जो रिसोर्स है वो स्कार्स हैं तो हमें किस तरीके से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हमें इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करना है और अपने रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर से एम्प्लॉय करना है क्योंकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो स्कार्स है बट अपॉर्चुनिटीज अबंडेंट हैं सच अ टसल मेक्स प्लेस At every level in the company, that is between teams, functional departments, divisions, or business units. This decision of resource allocation becomes even more crucial for a diversified business, which are supposed to manage complex business portfolios involving as much as 50 to 100 products and services simultaneously.

keeping this in mind the BCG matrix and its improved version GE McKinsey matrix was developed in 1970s general electric was managing a huge and complex portfolio of unrelated products and was unsatisfied about the returns from its investment in the product at the time companies usually relied on projections of the future cash flows future market growth or some other future projections to make investment decisions, which was an unreliable method to allocate the resources. Therefore, GE consulted McKinsey and Company and decide, uh, and designed a nine-box framework. The nine-box matrix provide, plots the business units on nine cells that indicate whether the company should invest in a product, harvest or divest it, or do a further research on the product and invest in it if there is still some resources left. बोथ have टूल्स the purpose by comparing द बिजनेस यूनिट्स एंड डिवाइडिंग them इन suitable ग्रुप्स as पर their वर्थ तो यहाँ पर जो नाइन बॉक्स मेट्रिक्स है इसमें बिजनेस यूनिट्स ने जो है बिजनेस यूनिट्स ने नाइन सेल्स में इंडिकेट किया है कि कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर या डिवेस्ट करना चाहिए या हारवेस्ट करना चाहिए या फिर फर्दर रिसर्च करना जरूरी है किस तरीके से ये डिसाइड होगा आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और जो आपकी पोजीशन है उसको कंपेयर करते हुए आपकी जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आप किस बॉक्स के अंदर फॉल इन होते हो ठीक है सो लेट्स सी एंड कंपेयर कि कौन सी जो है इन्वेस्टमेंट तीन स्ट्रेटजीज इन्होंने बता दी ये है इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ पहली दूसरी है होल्ड और सिलेक्टिव और तीसरी आती है आपकी डिवेस्टमेंट की तीसरी आती है आपकी डिवेस्टमेंट की स्ट्रैटी तो बेसिकली कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पर फॉलो करनी है ये अपन को देखना है ठीक है अब अपन देखें बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को आप नोटिस करें कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है सबसे पहले हाई है फिर मीडियम एंड फिर लो और यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को दूसरे ऑर्डर में लिखा है सबसे पहले लो है फिर मीडियम है और फिर हाई है ठीक है तो अब अगर देखे अपन देखें कि अपना बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ हाई है लेकिन जो अपनी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो लो आ रही है तो अपन को क्या करना चाहिए वी शुड होल्ड और सिलेक्टिव बेसिस पे अपन को काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है या फिर सिलेक्टिवली ग्रो करनी है किस जगह ग्रो करनी है वो आपको डिसाइड करना है तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटजी है दैट इज होल्ड और सिलेक्टिव देन यू हैव योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इज हाई बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज मीडियम तो यहाँ पर आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करी जा रही है इन्वेस्ट और ग्रो तो इन केसेस में सिंस आपकी स्ट्रेंथ हाई है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है तो आपको कोशिश करनी है कि आप और इन्वेस्टमेंट डालो और इसमें ग्रो करो देन इट इज अ हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड यू ऑल्सो हैव अ गुड हाई पोजिशन ऑफ और योर बिजनेस स्ट्रेंथ इज हाई तो यहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट या ग्रो करने का सजेशन दिया गया है ठीक है अब यहाँ पर आपका जो बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होकर मीडियम तक पहुँच गया है तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट की स्ट्रेंथ है वो मीडियम है लेकिन इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस लो है तो इट इज़ बेटर दैट यू डिवेस्ट टू हार्वेस्ट तो यहाँ पर आप बाहर निकल जाएँ वही ज़्यादा बेटर है यहाँ पर आपकी बिज़नेस स्ट्रेंथ मीडियम है बट इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है तो आपके लिए बेस्ट पॉलिसी यहाँ पर होगी कि होल्ड करके रखें अभी फॉर द टाइम बींग अगर आपकी इन बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो मीडियम है बट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है देन यू इन्वेस्ट और ग्रो ठीक है उसी तरीके से नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम मीडियम टू लो बिजनेस स्ट्रेंथ यहाँ पर अगर दोनों ही चीज़ें लो हैं देन यू डिवेस्ट अगर एक चीज़ लो है एक चीज़ मीडियम है देन अगेन यू डिवेस्ट क्योंकि आपकी पोजिशन ही लो है भले ही अट्रैक्टिवनेस मीडियम पे है बट योर पोजिशन इज लो इट इज़ सजेस्टेड दैट यू डिवेस्ट देन यू हैव इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज हाई बट योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो लो है देन द पोजिशन इज होल्ड और सिलेक्टिव बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो ठीक है सो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर अ कंपनी टू कम्पीट इन द मार्केट एंड ऑन प्रॉफिट्स तो वो अपन ने जो देखा था हाई मीडियम और लो तो वो आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस था जो कि डिटर्माइंड करता है कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि आप इसमें जो है कम्पीट कर पाओगे द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी इंडस्ट्री उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगी वेन इवेल्युएटिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एनालिस्ट शुड लुक हाउ एन इंडस्ट्री विल चेंज इन द लॉन्ग रन रादर दैन इन द नियर फ्यूचर बिकॉज द इन्वेस्टमेंट्स नीडेड फॉर द प्रोडक्ट यूजली रिक्वायर लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट ठीक है तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स जितना प्रॉफिट होगा इंडस्ट्री के अंदर उतनी ही उसकी अट्रैक्टिवनेस होगी हाई मीडियम और लो वैन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस शुड लुक इन टू एनडाउन लॉन्ग रन रादर दैन इन द नियर फ्यूचर सो दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट इन द लॉन्ग रन की आगे जाके लॉन्ग रन में कैसे ये इंडस्ट्री चेंज होगी ना कि हमें सिर्फ नियर फ्यूचर पे ध्यान देना है बल्कि लॉन्ग रन पे भी देना है बिकॉज़ द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्ट यूजुअली रिक्वायर लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो प्रोडक्ट्स के अंदर वो लॉन्ग लास्टिंग नेचर के होते हैं इसलिए हमें लॉन्ग रन के बारे में सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो लॉन्ग रन में ज्यादा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी या हाई अट्रैक्टिवनेस होगी जिसमें हम उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कंसिस्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स दैट कलेक्टिवली डिटरमाइन द कंपटीशन लेवल इन इट देयर There is no definite list of which factors should be included to determine industry attractiveness, but the following are the most common: that is, the long-run growth rate, industry size, industry profitability, industry structure, product life cycle changes, changes in the demand, trends of prices, macro environment factors. These are all the things determine your industry attractiveness. Okay then seasonality availability of labour market segmentation these are all the factors that determine the industry attractiveness iske baad aata competitive strength ki apni competitive strength hai business unit ki wo kaisi hai along the x axis the metric measures how strong in terms of competition a particular business unit is against its rivals in other words managers

जरूरी है। कौन से factors से determine कर सकते हो? ये फैक्टर्स दोनों के इंपॉर्टेंट है कोई भी फैक्टर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है सो टोटल मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ कम्पेयर टू राइवल्स ब्रांड स्ट्रेंथ कितनी है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कस्टमर लॉयल्टी आपके पास है या नहीं वीडियो यानी वैल्यू

वो भी अपन अब आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है इसका देर आर नो इस्टिश प्रोसेस और मॉडल्स दैट मैनेजर्स कुड यूज वन परफॉर्मिंग दी एनालिसिस कोई स्टैब्लिश प्रोसेस या टूल्स नहीं है कोई मॉडल्स नहीं है जिसको आप यूज कर सकते हो इस एनालिसिस को करने परफो वी आर वी डिजाइन द फॉलोइंग स्टेप्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेस इसलिए जो ये स्टेप्स हैं उनको डिटरमाइन किया गया है सबसे पहला स्टेप क्या है डिटरमाइन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच बिजनेस यूनिट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हर बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंगली कैसी है अगर मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हैं तो सबकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अलग अलग होगी बट ऑबियसली अगर सिंगल बिजनेस यूनिट है तो आपको एक ही बार स्टडी करनी पड़ेगी लेकिन अगर मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स हैं तो हर यूनिट के अकॉर्डिंगली आपको जो है उसको स्टडी करना ज़रूरी है make a list of factors the first thing you will need to do is to identify which factors to include when measuring industry attractiveness कौन से factors आपके लिए applicable हैं उनको पहले आपको देखना पड़ेगा और उसकी एक list बनानी पड़ेगी we have provided the list of the most common factors but you should include the factors that are more appropriate to your industries यहाँ पर तो सारी की सारी list दी गई है पर उसमें से कितने factors आपके ऊपर applicable हैं वो आपको decide करना पड़ेगा assign them weights the weights indicate how important a factor is to the industry Attractiveness a number of a number from 0 0.01 that is not important to 1 that is very important should be assigned to each factor. The sum of all weights should be equal to 1. तो यहाँ पर अपन को हर फैक्टर के आगे वेट्स लिखने पड़ेंगे जो जो अपने ऊपर एप्लीकेबल है अब उसमें से जो फैक्टर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है उसको आप कंपैरेटिवली हायर वेट दोगे मतलब हायर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे और जो अट्रैक्टिवनेस में कम होंगे उनको पॉइंट जीरो वन तक का वेट दोगे ताकि उनका जो वेट है उस पूरे ओवरऑल उसमें कम रहे जैसे अपन वहाँ फाइनेंस में करते हैं ना एसेट्स को वेट दे देते हैं कि किस में कितना रिस्क है जिसमें हायर रिस्क होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है जिसमें कम रिस्क होता है उसका वेट कम होता है उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको अपने फैक्टर्स को वेट देना है कि जो फैक्टर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रायोरिटी में है उनको आप वन दोगे और मतलब लेस देन वन क्योंकि सबका टोटल वन होना चाहिए और जो आपके लिए लीस्ट प्रायोरिटी में है उसको आप पॉइंट ज़ीरो वन और इस हिसाब से जो है वेट्स दोगे रेट द फैक्टर्स द नेक्स्ट थिंग यू नीट टू डू इज टू रेट इच फैक्टर फॉर ईच ऑफ योर प्रोडक्ट और योर बिजनेस वैल्यूज बिटवीन वन टू फाइव और वन टू टैन वेर वन इंडिकेट्स द लो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड फाइव और टेन इंडिकेट द हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस उसके बाद आपको इनकी रेटिंग करनी है ठीक है तो कौन कौन से स्टेप्स हो गए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे आ गया आपका लिस्ट देन आपको इन्हें वेट देने हैं देन आपको इन्हें रैंक करना है ठीक है फिर आपको अपना टोटल स्कोर निकालना है इस स्टेप के अंदर कि आपका स्कोर क्या निकल के आया है राइट सो यहाँ पर अब इस थर्ड स्टेप के अंदर आपको रैंक देना है जैसे आप कर सकते हो वन टू फाइव यान टू टेन जिसमें से वन होगा लो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का और फाइव या टेन होगा हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का उसके बाद कैलकुलेट द टोटल स्कोर द टोटल स्कोर इज द सम ऑफ ऑल वेटेड स्कोर्स फॉर ईच बिजनेस यूनिट वेटेड स्कोर्स आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग रेटिंग्स तो उसी हिसाब से आपको वेट और रेटिंग्स को जो है मल्टीप्लाई करना होगा और फिर अपना टोटल स्कोर जो है इसके अंदर निकालना है टोटल स्कोर अलाउ कंपेयरिंग द इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस फॉर ईच बिजनेस यूनिट जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आप अपनी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को जो है डिटमाइन कर सकते हो दिस इज अ टफ टास्क एंड वन

और साथ ही साथ कौन से फैक्टर में कितना वेट या कितनी रेटिंग देनी है वो भी कंसल्टेंट ही आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएगा जब आप एक कंसल्टेंट की हेल्प से इसको कैरी आउट करोगे इट विल रिजल्ट आउट इन अ मच बेटर यू नो एनालिसिस वुड बी मोर एक्यूरेट एज पॉसिबल सो बेसिकली कंसल्टेंट का जो है यहाँ पर ओपिनियन होना जरूरी है देन सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या आती है डिटरमाइन द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ आपको कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है ऑफ ईच बिजनेस टू इज द सेम एज स्टेप वन ओनली इन दिस टाइम इंस्टेड ऑफ द इंडस्ट्री अट्रेटिव कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एवेलुएटेड तो पहले आपने इंडस्ट्री को इवेलुएट किया अब आपको अपनी इंटरनल इवेलुएशन करना है यानी यहाँ पर आपको अपने बिजनेस यूनिट को एवेलुएट करना है सिमिलरली यहाँ पर भी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स चूज द कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ फैक्टर्स फ्रॉम आर लिस्ट एड टू योन फैक्टर्स आपने जो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है वो तो एग्जॉस्ट वो तो इंक्लूसिव लिस्ट है तो इसके अंदर आपकी जो आपके लिए फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आपको सिलेक्ट करने हैं फिर उसको भी आपको असाइन करना है वेट्स को तो वही वन जो पॉइंट जीरो वन था कि नॉट इम्पॉटेंट वन टू वन तक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आपको रेटिंग करनी है और फिर आपको टोटल स्कोर कैलकुलेट करने हैं एज़ यू कैल्कुलेटेड इन स्टेप वन देन स्टेप थ्री के अंदर जो आपको करना है आपको प्लॉट करना है बिजनेस यूनिट को मेट्रिक्स के ऊपर कि जो भी आपके बिजनेस यूनिट्स हैं उनको आपको मेट्रिक्स में जो अलग अलग बॉक्सेज बने थे उसमें आपको जो है उन बिजनेस यूनिट्स को प्लेस करना है विद ऑल दुएशन एंड स्कोस इन प्लेस वी कैन प्लॉट द बिजनेस यूनिट्स ऑन द मेट्रिक्स ईच बिजनेस यूनिट विल भी रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल द साइज ऑफ द सर्कल शुड करस्पॉन्ड ट प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू जनरेटेड बाई दैट बिजनेस यूनिट फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ट्वेंटी फोर्टी परसेंट रेवेन्यू फॉर दाइज ऑफ द सर्कल फॉर बिजनेस फॉर बिजनेस यूनिट टू तो अब आपको प्लॉटिंग करनी है ग्राफ के ऊपर और आपको जो सर्कल बिजनेस यूनिट का डिसाइड करना है वो उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ही करना है जैसे अगर बिजनेस यूनिट वन है तो उसका अगर ट्वेंटी परसेंट शेयर है और बिजनेस यूनिट टू का फोर्टी परसेंट शेयर है तो जो बिजनेस यूनिट वन का सर्कल है वो बिज़नेस यूनिट टू से छोटा होना ज़रूरी है तभी डिटरमाइन होगा कि आपने प्रॉपर तरीके से प्लॉटिंग करी भी है या नहीं प्लॉटिंग करने के बाद आपको जो है अपनी एनालिसिस कैरी आउट करनी है कि किस बॉक्स के अंदर आप फॉलन होते हो ठीक है देन वी हैव नेक्स्ट दी एनाइज द इनफॉर्मेशन दैट इज स्टेप फोर अब इसके अंदर अपन को जो भी इन्फॉर्मेशन अपने पास आई है अब तक उसको एनालाइज करना है अपन जानते हैं मेट्रिक्स के अंदर जो ये तीन बॉक्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर फोकस करते हैं ये वाला जो होता है वो सिलेक्टिव अर्निंग्स का होता है सिलेक्टिविटी अर्निंग्स का होता है और ये डिवेस्टमेंट का होता है

जो भी आपकी अर्निंग्स अब तक हो चुके हैं उनको हार्वेस्ट कर लीजिए और डिसइनवेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें ईच ग्रुप ऑफ बॉक्सेस इंडिकेट्स वॉट यू शुड डू विद योर इन्वेस्टमेंट्स हर ग्रुप इंडिकेट करता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है यहाँ पर कौन सी चीज़ कैरी आउट करनी है बेसिकली क्या जैसे इन्वेस्टमेंट आगे और करना है ग्रो करना है सिलेक्टिविटी रखनी है अर्निंग्स मेंटेन करके चलना है या फिर हार्वेस्ट करना है या डिवेस्टमेंट करना है ठीक है तो सबसे पहले बॉक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है दैट इज इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ बॉक्स इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर कंपनी शुड इन्वेस्ट इनटू बिजनेस यूनिट्स दैट फॉल इनटू टू दीज बॉक्स एज दामिस्ड हाईएस्ट रिटर्न इन द फ्यूचर तो इस बॉक्स में जो भी आपके बिजनेस यूनिट्स आएंगे वो सबसे ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस करते हैं किस तरीके से क्योंकि आप यहाँ अगर मेट्रिक्स में भी देखो तो आपकी स्ट्रेंथ तो हाई है ही लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है आइधर वो मीडियम पर है या वो हाई पर है मतलब स्ट्रेंथ भी हाई है और अट्रैक्टिव भी है बिजनेस आपके लिए और दोनों ही चीजें हाई पर हैं तो इन्वेस्ट तो करना ही है स्ट्रेंथ हाई है अगर अट्रैक्टिवनेस मीडियम पर है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है और वैसे ही अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मीडियम है लेकिन अट्रैक्टिवनेस हाई है तो भी आपको आगे जाना है यानी इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि इन बॉक्सेस में जो भी आपके यूनिट्स फॉल इन करेंगे वो सारे के सारे जो हैं हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड करने वाले यूनिट्स होंगे दिस बिजनेस यूनिट्स विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश बिकॉज दे विल बी ऑपरेटिंग इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड विल हैव टू मेंटेन और ग्रो देयर मार्केट शेयर इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड एज मच रिसोर्सेज एज पॉसिबल फॉर बिजनेस यूनिट्स सो दे वुड बी नो कंस्ट्रेंट्स फॉर देम टू ग्रो the investment should be provided for r&d that is research and development advertising acquisitions and to increase the production capacity to meet the demand in the future to so, in sab cheezon ke liye jo hai aapko investment karne padenge aage dekhiye kya likha hai दूसरा जो box आता है that is selectivity या फिर earnings का box होता है. तो इसके अंदर क्या लिखा गया है. you should invest into this business into these business units only if you have the money left over The investments in Investor Grow Business Units Group. एंड इफ़ यू बिलीव दैट बिजनेस यूनिट्स विल जनरेट कैश इन द फ्यूचर मतलब इन वाले बिज़नेस यूनिट्स में आपको तभी आना है जब आपके पास एक्सेस कैश बचा हो जो कि आपने आगे जो अपन ने पढ़ा था ग्रोथ वाले बिजनेसिस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया हो उसके बाद जो भी आपका बैलेंस बचा हुआ है वो आप चाहो तो इस वाले बिजनेस यूनिट्स पर जो है यानी सिलेक्टिविटी या अर्निंग्स वाले बिज़नेस यूनिट्स पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन तभी जब आपको पूरा का पूरा यकीन हो कि ये बिज़नेसेस आगे जा कैश जनरेट करेंगे

द लार्जो मार्केट शेयर ये वाला जो लाइन है इसको मार्क कर लें कि जनरल रूल आपका क्या सजेस्ट करता है कि आप ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर्स नहीं है काफ़ी बड़ा मार्केट है और आप इजिली जो है मार्केट शेयर को कॉन्टोर कर सकते हो उसके बाद जो आखिरी बॉक्स बचता है अपना दैट इज हार्वेस्ट बॉक्स यानी यहाँ पर तो आप विड्रॉल ही करते हो दिजनस इंडस्ट्रीज डोंट है and are performing relatively poorly fall into the harvest or the divest boxes what should companies do with these business units so in business units ke sath aapko kya karna hai? in business units ke saath aapko basically withdrawal hi karna hai first if the business unit generates surplus cash company should treat them the same as the business units fall into the cash cow boxes in the bcg metrics. this means that the company should invest into these businesses बिजनेस यूनिट्स जस्ट इनफ टू कीप ऑपरेटिंग एंड कलेक्ट ऑल द कैश दैट इज जनरेटेड बाय इट इसी को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है यानी कि हम सिर्फ उतना ही कैश इसमें इन्वेस्टमेंट करें जितना कि इस बिज़नेस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है हम कहीं पर भी एक्सेस कैश इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे कहीं पर भी आगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखेंगे बेसिकली जितना कैश जनरेट कर रहा है उतना कर रहा है और हमें उतना ही उससे हारवेस्टिंग करते हुए चलना है इन अदर वर्थ्स इट्स वर्थ टू इन सच बिजनेस एज लॉन्ग एस इन्वेस्टमेंट्स इन टू इट डेक सीड द कैश जनरेटेड फ्रॉम इट यानी उस लेवल तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जितना कैश ये हमको जनरेट करके दे रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट बस उससे ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि फिर आउटफ्लो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम सेकेंड द बिजनेस यूनिट्स दैट ओनली मेक लॉसेज यानी ऐसे बिजनेस यूनिट जिसमें सिर्फ लॉसेज हो रहे हैं शुड बी डिवेस्टेड तो ऐसे बिजनेस यूनिट्स में से तो आपको अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए इफ़ दैट्स इम्पॉसिबल एन देर इज नो वे टू टर्न लॉसेज इन टू प्रॉफिट द कंपनी शुड लिक्विडेट द बिजनेस यूनिट और अगर आप जो लॉसेज हैं उनको प्रॉफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो, तो फिर आपको इन बिजनेस यूनिट्स को लिक्विडेट कर देना चाहिए अगला जो स्टेप आता है इसके अंदर दैट इज स्टेप नंबर फाइव दैट इज आइडेंटिफाई द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ईच बिजनेस यूनिट अब आपको एनालिसिस ये करनी है कि आपको ये देखना है कि फ्यूचर में जो है आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगा इफ़ इट इज़ गोइंग इनटू ग्रोथ देन वेल एंड गुड आप इसको कर सकते हैं इफ़ इट इज़ गोइंग इनटू रिटेंशन ऑफ शेयर जहाँ पर आप रिटेन करके रख सकते हो तो भी आप इसको रख सकते हो लेकिन अगर ये नेगेटिव जा रहा है यानी पीछे जा रहा है तो फिर तो आपको जो है डिवेस्टमेंट इसके अंदर कर देना चाहिए द जी ई ओनली प्रोवाइड्स द करंट पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड डर हाउ दे मे चेंज इन द फ्यूचर तो जी ए मे कैंजी मेट्रिक सिर्फ करंट पोजिशन uh, उसकी एनालिसिस करवा सकता है फ्यूचर के बारे में वो कुछ नहीं कहता फर्दर एना पोजिशन और द इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मेजर ग्रोथ इन द फ्यूचर दिस अफेक्ट्स द डिसंस वी मेक अबाउट अवर इन्वेस्टमेंट्स इंटू वन और अनदर बिजनेस एग्जाम्पल अवर प्रिवियस शो दैट दिजनिट वन

जो है आएगा या फिर इन्वेस्ट या ग्रो उस बॉक्स में रहेगा अगर ये बिजनेस यूनिट हार्वेस्ट और डिवेस्ट ग्रुप में आ जाता है हार्वेस्ट में आता है फिर भी ठीक है लेकिन अगर डिवेस्ट में आता है तो तो आपको बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट आगे नहीं करना चाहिए देर इन इन नियर फ्यूचर द बिजनेस वुड यू स्टिल इन्वेस्ट इन

stay the same or decrease in the future you should also discuss with your managers whether your business unit's competitive strength will be likely to increase or decrease in the near future when all the information is collected you should include it in your existing metrics by adding the arrows to the circles the arrows should point to the future position of the business so basically your arrows are वो डिटरमाइन करेंगे वो बताएंगे कि आपका फ्यूचर में जो है बिजनेस कहाँ जा रहा है आपको दोनों चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी ये देखना पड़ेगा कि आपका रिलेटिव मार्केट शेयर बढ़ सकता है या कम हो सकता है इंटरनल स्ट्रेंथ्स जो है वो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं और दोनों को साथ में लेते हुए ही आप मेट्रिक्स में प्लॉटिंग करेंगे प्लॉटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस यूनिट है वो कौन से सर्कल के अंदर फॉल हो रहा है और कौन सी स्ट्रैटेजी जो है आपको फॉलो करनी चाहिए ठीक है अगर आप बेसिकली डिवेस्टमेंट div की तरफ बढ़ रहे हो तब तो आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का लेकिन अगर कहीं भी चांसेस है ग्रोथ की तरफ जाने के देन यू शुड कंसिडर पुटिंग इन योर मनी इन द बिजनेस देन यू हैव स्टेप नंबर सिक्स दैट इज़ प्रियोरिटाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर स्टार्टिंग द मेट्रिक्स और उसमें पॉइंट आउट करने के बाद प्लॉटिंग करने के बाद अब आपको प्रियोरिटाइज़ करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कि आप कहाँ पर पैसा लगाना चाहते हो और कहाँ पर नहीं

कितना इन्वेस्टमेंट करना है हाउ मच डू वी हैव टू इन्वेस्ट एग्जैक्टली एंड वे टू इन्वेस्ट इन टू बिजनेस दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करें मार्केटिंग में करें वैल्यू चेन में करें टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं इस मेट्रिक्स के अंदर अन आंसर्ड रह जाते हैं डूइंग द जी ई मेके मेट्रिक्स एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन टेक्स टाइम एफर्ट एंड मनी बट इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स दैट सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेड द इन्वेस्टमेंट लेकिन अभी भी जो है इस टूल का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं लास्ट में बस बचता है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो एडवांटेजेस के लिए कहा गया है इट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न एंड मैनेजर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ द प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स परफॉर्म ये इसका एक एडवांटेजेस है कि आपको जो है प्रायोरिटी पता चल जाती है और मैनेजर्स को भी पता चल जाता है कि, कि किस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है इट इज़ मोर सोफेस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क दैन द बी सी जी मेट्रिक्स इट आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक स्टेप दट दम्पनी नीच टू मेक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियो ये स्ट्रैटेजिक स्टेप्स भी जो है आइडेंटिफाई करके दे देता है और बता भी देता है कि किस तरीके से कंपनी को जो है इम्प्रूवमेंट करनी है अपने परफॉर्मेंस के अंदर ताकि वो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में आगे बढ़ पाए इसके कुछ डिसएडवाटेजेस भी हैं सो डिसवान में क्या लिखा है इट रिक्वाइज अ कंसल्टेंट और अ हाईली एक्सपीरियंसड पर्सन टू डिटमाइन इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस एंड द बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एज एक्क्यूरेटली एज पॉसिबल तो प्रोडक्शंस करने के लिए आपको एक कंसल्टेंट या हाईली एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है इट इज़ कॉस्टली टू कंडक्ट बट ऑब्वियसली अगर इतनी एनालिसिस और स्टडी करनी पड़ेगी तो उसके पीछे कॉस्ट भी लगेगा इट डजेंट टेक इन टू अकाउंट द सिनॉजीज सिर्जीज का मतलब होता है रिजल्टेंट इनर्जीज दैट कोड एक्जिस बिटवीन टू और मोर बिजनेस यूनिट्स तो दोनों बिजनेस यूनिट्स के बीच में जो एक्सचेंज है जो सिनर्जी है वो किस तरीके से चल रही है और उसका क्या रिजल्टेंट होगा तो वो चीज़ अगर ये ची, वो वाली चीज़ जो है रिजल्टेंट की जो चीज़ है वो ये वाली स्ट्रैटेजी कंसिडर नहीं करती यानी ये मेट्रिक्स जो है वो कंसिडर नहीं करता ठीक है तो यहाँ तक था अपना जी ई मेट्रिक्स जो कि काफ़ी ईजी था बार बार इसको पढ़िएगा अगला जो अपन को टॉपिक करना है दैट इज़ स्ट्रैटेजिकल्टरनेटिवस कि आपके पास कौन कौन से स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिवस जो है वो अवेलेबल है

सो लेट्स रीड अपन उसको पढ़ के देखें कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है ग्लूकिन जॉर्ज ने क्या सजेस्ट किया था सो वर्ल्ड डेवलपिंग जेनरिक स्ट्रेटीज टैक्सोनॉमी द वर्क ऑफ ग्लूकन जॉर्ज नाइन इज वाइडली रेफर्ड टू तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकिन जॉर्ज नाइनटीन एटी फोर में थे एंड बेसिकली इनका जो काम है उसको काफी रेफर किया जाता था दीज ऑथर्स डेवलप्ड अ कॉम्प्लेक्स मेट्रिक्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन और रिट्रेंचमेंट एंड स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स अक्रॉस द प्रोडक्ट्स Or markets and functions using this matrix hit at all and PS at all postulated that there exist four grand strategic alternatives the so, unone postulate kia invent kea ki charge uh, strategic alternatives of the that is stability internal growth stability internal growth external acquisitive growth and retrenchment So the hr strategies to ye look suggest karte the that is ब्लूक एंड जॉर्ज की दो जेनरिक स्ट्रैटेजी कोऑल्टरनेटिव है वो ये चार स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है जिसके अंदर सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है स्टेबिलिटी की जो कि अपन को करनी भी है सो लेटेस्ट स्टार्ट अबाउट द स्टेबिलिटी स्ट्रैटी आज सजेस्ट स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप कितने स्टेबल हो एंड बेसिकली वो स्टेबिलिटी आपको मेनटेन करनी पड़ेगी अगर आपके पास स्टेबिलिटी है दैट मीनस यू आर इन अ गुड पोजिशन इन मार्केट सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन दैट स्टेबिलिटी तो यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इनवॉल्स देंटेनस ऑफ द करेंट बिजनेस डेफिनेशन मैंने आपसे कहा ही था यू आर अ वेरी गुड पोजीशन लेकिन आपको जो है मैंटेन करके चलना पड़ेगा सो इट कॉन्सेंट्रेट्स और इनवॉल्स ऑफ द करेंट बिजनेस डेफिनेशन बाई सेव गार्डिंग द एग्जिटिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ इट कंटिन्यूज वेल एज इट्स वेल स्टेब्लिश्ड एंड टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एंड ऑप्टेमाइजोर्सम अटेन सच गोल्स तो बेसिकली जो आपके वेल एस्टेब्लिश और टेस्टेड और गोल्स हैं उन्हीं पर ही ये कॉन्सेंट्रेट करता है इनफैक्ट उन्हीं गोल्स को आगे ले जाने की बात करता है और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उनको इन्हीं गोल्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इट मे ऑल्सो चेंज द पेस ऑफ एफर्ट विद इन इट्स स्टेबल बिजनेस डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बिकम मोर इफिशेंट और इफेक्टिव

इट इज अ डू नथिंग न्यू स्ट्रैटेजी तो बेसिकली कुछ भी नया नहीं करते लेकिन जो पुराना चल रहा है उसको मेंटेन करते हुए अपन चल रहे हैं इट हैज इट्स शार्प फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट ऑफ द फंक्शनल परफॉर्मेंस बेसिकली जो इंक्रीमेंट तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा इट कंटिन्यूज टू परस्यू सेम सेक्टिव एंड गोल्स एंड द बिजनेस एडजस्ट द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इक्वल एंड प्रपोर्शन एवरी ईयर इट इन्व कीपिंग अ ट्रैक ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स टू इन्श्योर द स्ट्रेटी कंटिन्यूस टू मेक सेंस द स्ट्रेटजी इज सब्सिट्यूट टू ग्रोथ और इट्रेंचमेंट एज गोल्स सच एज प्रॉफिट और ग्रोथ आर नॉट डम्प रा द रिटर्न कैन एक्चुअली बी इंक्रीज फॉर द इंस्टेंस बाई इम्प्रूविंग द एफिशियो एफिशियंसी बढ़ाकर जो है आप अपने रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हो ठीक है अगली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज द इंटरनल ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी तो इसके अंदर क्या कहा गया है एंड इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी रीडिफाइनिंग ऑफ द बिजनेस तो यहाँ पर अपन इंटरनली ग्रोथ की बात कर रहे हैं सो तो अपना जो बिजनेस है उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा डिफाइनिंग बाई सबस्टैंशियली स्केलिंग द लेवल ऑफ ऑपरेशन थ्रू इंटरनल डेवलपमेंट एंड नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर ऑपरेशन और बिजनेसिस बेसिकली इंटरनल डेवलपमेंट आपको करना है तो इंटरनल तरीके से ही आपको अपने ऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा इनोवेशन लाना पड़ेगा और बाकी कॉर्पोरेशन और बिजनेस की आप यहाँ पर हेल्प नहीं ले रहे हो मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो मार्केट पेनेट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर एम्फोसाइज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंटर न्यू मार्केट्स एंड एम्ब्रेसिंग द न्यू टेक्नोलॉजी सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई रीडिफाइनिंग द बिजनेस एडिंग बिजनेस स्कोप सब्सटैंडली

जाके आप अपने पूरे बिज़नेस को इंटरनली रीडिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं इसको रीडिज़ाइन करने के बाद आपका बिजनेस स्कोप भी बढ़ सकता है और आपके एफर्ट्स भी सब्सटैशल तरीके से बढ़ सकते हैं ठीक है इसके साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉमिसिंग और फेमस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना चाहिए जो कि काफ़ी लेस रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी अपनाई हुई स्ट्राटेजी है तो उसको आपको आगे चल के मेंटेन भी करना है इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन एक्विजिशन और मर्जर भी इंक्लूड होता है क्योंकि आप इंटरनली अगर ग्रो करना चाहते हो तो आप बाकी बिजनेसेस के साथ भी कुछ सेगमेंट्स में जुड़ सकते हो सो बेसिकली एक्विजिशन मोजज़ और बाकी चीज़ें भी जो हैं इसके अंदर कवर हो जाती हैं फिर जो आती है अपनी चीज़ दैट इज़ एक्सटर्नल एक्सपेंशन यहाँ पर आप अब आप इंटरनली तो ग्रो कर गए हो जो तीसरी स्ट्रैटी यहाँ पे आती है वो एक्सटर्नल एक्सपेंशन की जब आप बाहर से कहीं पर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो Gluck and George noted note that there are a number of terms used for external expansion these include acquisition merger one business loses its identity consolidations both business lose their identity and a new business arises and joint ventures the distinguishing feature of all external growth strategies though is that they involve another companies or business So, external growth methods a bahar grow kar rahe ho to companies ka involve hona to hai रिटरेंचमेंट स्ट्रेटेजी रिमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है आपको आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं रखते इनफैक्ट जो भी आपका वर्क एरिया है आप कोशिश करते हो उसको कट डाउन करने की या फिर स्टेप बैक करने की तो एक तरीके से डिवेस्टमेंट की ही जो स्ट्रेटी होती है उसको रिट्रेंचमेंट आप कह सकते हो सो पी एस ए एल ऑपरेशनलाइज और रिफ्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी डायमेंशन इन्होंने भी तीन डायमेंशन की बात करी है मार्क करिएगा इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस बाई लेवल और स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट और मार्केट ऑब्जेक्टिव कट बैक इन कॉस्ट एंड रिडक्शन इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन दो थ्रू द डिवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द यूनिट्स एंड समाशंस और डिविजन्स तो इसमें क्या कहा गया है कि आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स में कट डाउन कर लो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बनाओ उनका जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है उसको स्केल डाउन कर दो क्योंकि वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप जो है मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें तो आप अपना प्रॉफिट लेवल मेंटेन कर पाएंगे या फिर आप कॉस्ट में कट बैक कर लीजिए या फिर रिड्यूस कर लीजिए स्केल ऑफ ऑपरेशन थ्रू डिवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द यूनिट्स या फिर आप कुछ यूनिट्स को डिवेस्ट कर दीजिए ग्लूकिन जॉर्ज ऑल्सो सजेस्टेड दैट रिट्रेंचमेंट ऑल्सो अ रिडक्शन इन फंक्शंस Reduction in functions. So here, you step back. Kar rahe ho. Internal retrenchment is labeled as an operating turnaround strategy, where the emphasis is on reducing the cost, increasing the revenues, reducing the asset and reorganizing the products and markets to achieve greater efficiency. External retrenchments constitutes a more serious form of strategic turnaround, including such measures such as divestiture, divestiture and liquidation. तो इंटरनली तो आप क्या कर सकते हो अगर आप डिवेस्ट करते हो अलग अलग जगहों से इंटरनली मतलब बिजनेस के अंदर ही अगर आप जो पहले फंक्शंस दो तीन लोग करते थे अब आप उसको आपने और लोगों में डिवाइड कर दिया तो बेसिकली आपकी जो है इंटरनली जो है आपने रिट्रेंच किया है फ़ंक्शन को पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो इससे बढ़ जाएगी तो इसलिए इंटरनली रिट्रेंचमेंट के बारे में भी कहा है और एक्सटर्नली की जब अपन बात करें तो उसके अंदर तो आपका डिवेस्टमेंट या फिर लिक्विडेशन आ जाता है ग्लूकन जॉर्ज टाइपोलॉजी introduces the concept of stability and external versus the internal aspects of growth and retrenchment redefinition of business by divesting a major product line or a market Aap apne business could redefine kar sakte ho by carrying out a divestment in the major product line not always bad proposition as it saves the organization's vital interest minimize certain adverse effect group resources before launching a rise on the growth ladder तो ये कोई भी बेकार स्ट्रैटेजी नहीं होती बेसिकली आपको बचा भी सकती है आगे क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने अगर कुछ बिजनेसेस को कर्टेल किया है कर्टेल मतलब अगर डिवेस्ट कर दिया है अलग कर दिया है तो हो सकता है उनके उन बिजनेसेस से इंडिविजुअली इतनी प्रॉफिटेबिलिटी ना आती हो सो इट कैन ऑल्सो प्रूव एज अ गुड थिंग फॉर टेम्प्रेरी सेटबैक्स कट ऑन इट्स कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव वर्क एम्प्लॉय वेलफेयर सब्सिडीज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो बेसिकली सेटबैक्स के लिए कट डाउन भी कर सकते हैं इन सेकेंड स्टेज कट ऑन इन्वेंट्री लेवल्स मैन पावर डिविडेंट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। इन थर्ड स्टेज विद्रॉ मार्जिनल मार्केट्स, सम ब्रांड्स साइजेस। इन फोर्थ स्टेज गो फॉर द सेल ऑफ सम मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोडक्ट डिविजन रिटायरमेंट आईद प्रोडक्शन मार्केटिंग स्टेज में ऑफर इट सेल्फ फॉर टेक ओवर एट द लॉस्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन में सीक फॉर लिक्विडेशन विच मीनस कॉपोरेट डेथ ये अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं डिवेस्टमेंट के या फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के जो कि आप फॉलो कर सकते हो ठीक है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज द अबव डिस्कस स्ट्रेटजीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू सूट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो ये स्ट्रेटजीज जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है आप चाहो तो इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स ओके सो लेट अस स्टॉप हियर यहाँ तक आप पूरा पढ़ के आइएगा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले और उसके बाद फिर अपन जो है अगले वीडियो में पोस्ट पोटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज को जो है अपन स्टार्ट करेंगे ओके